हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस डेली करंट अफेयर्स शो। मैं हूं प्रिंशिला गांधी, आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी, और आज है 28 जून। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपके सेक्शन वाइज होते हैं ना करंट अफेयर्स के अंदर, स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, रिपोर्ट सेक्शन होता है, ठीक है, फिर अवार्ड्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बड़ी काम आती हैं एग्जाम में। फिर आपके रैंक्स और रिपोर्ट सेक्शन हो जाता है, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि हमें जो डेली करंट अफेयर है वो बहुत अच्छी बात है, मंथली वाले बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी रट्टा मार सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ें ना सिर्फ रटनी ही है, ठीक है। तो वो मैं आपको रटवाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज वो एज इट इज क्वेश्चन बन जाएगा और मार्क स्कोरिंग आपका होने वाला है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेंगे फटाफट से सेशन को और देखेंगे आज के पहले प्रश्न को। पहले हम कुछ रिविजन क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ आपके लिए देखो रिवीजन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, बट यू हैव टू टेल कि आप कितने आंसर जो है इसमें मार्क कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप जीके जीएस का शेड्यूल पूछ रहे थे, तो आपकी 2 बजे भी क्लास होती है, राइट। तो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमिंग और जीके जीएस का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने वाले हो आप, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, यहाँ बात हो रही है किसकी, सिटी ऑफ लिटरेचर की। तो यूनेस्को में यहाँ पे स्टूडेंट्स 3-4 सिटीज हैं, लिटरेचर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, भारत की पहली है, भारत की पहली है, बिकॉज यहाँ पर ना 500 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, मोर देन 500 लाइब्रेरीज हैं, और वहाँ पे अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बचाकर सेव करके रखा हुआ है, ठीक है, जो कि एंशियंट है, पौराणिक है, तो हिस्टोरिकल वैल्यू भी है उसकी, राइट। तो कौन सी स्टेट में यह सिटी, केरला में लोकेटेड है। इस सिटी को कहते हैं सिटी ऑफ स्पाइसेस, नाम क्या है उसका, क्या नाम है, कोझीकोड। तो ऑप्शन ए को याद रखोगे, कोझीकोड यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर में इन्होंने ऐड करा है, ओके, याद होगा आपको, कराया था मैंने ये क्वेश्चन, राइट। तो स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न जो कि आपका टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है। देखो आजकल आपका आर्चरी वाला भी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, फिर आपका अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप न्यूज़ में है, फिर आपका I-20 तो चल ही रहा है, फिर पेरिस ओलंपिक्स आएगा, तो ऐसे कुछ बड़े बड़े इवेंट्स और टूर्नामेंट्स बैडमिंटन को लेकर, फुटबॉल को लेकर, चेस को लेकर, टेनिस को लेकर जब भी क्वेश्चन बनता है, जब भी न्यूज़ में आता है, तो वहाँ आपको मिस नहीं करना होता है। एक अपना पेज बना लो कि 2-3 पेज आपको स्पोर्ट्स को देने हैं, 2-3 पेज आपको जो है वो अलग अलग सेक्शंस को देने हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, जब तक आप नोट नहीं करोगे लास्ट में रट्टा मारना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, जब भी कुछ पढ़ो नोटबुक अपनी हाथ में रखो, बेशक से एक मोटी नोटबुक बना लो, उसके अंदर आप एक ही रखो अपनी नोटबुक और उसमें अलग अलग सेक्शन वाइज नोट करते चलो, ठीक है। अब देखो बच्चे, हु वन द ITF वुमेन कैटेगरी में पूछ रहे हैं वर्ल्ड टेनिस टूर 2024, ITF वुमेन वर्ल्ड टेनिस टूर 2024, ठीक है। तो एक जो है वुमेन वो इंडिया से है, हमारे भारत से, और एक चाइना से, तो नाम क्या हो जाएगा, ऋतुजा भोसले और फंगन तियान, करवाया था याद, कैसे, रुतबा हो तो भारत का, भारत का रुतबा, ठीक है, ऋतुजा और फिरंगन चाइना, फिरंगन चाइना, ठीक है। तो आपका एक चाइना हो गया, एक भारत हो गया, ऋतुजा हो गया और फरंगन हो गया, फंगरन हो गया। ये है ITF वुमेन वर्ल्ड टेनिस टूर। वुमेन टेनिस से आपको याद रखना है, नंबर वन वुमेन जो है वो टेनिस में कौन है, ईगा स्वेटेक है स्टूडेंट्स, इस फैक्ट को याद रखना, काफी न्यूज में रहती हैं जितने भी टूर्नामेंट्स हैं यहाँ पे, स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रेंच हो गया, 2024 में जीत के बैठी हैं ये, ठीक है, नाम क्या है, ईगा स्वेटेक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली वेयर वॉज द 64th ISO यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें विश्व में जो चीनी है, जो शुगर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अभी कौन है, वैसे इंडिया सेकेंड पे होता था इसमें, अभी जो भारत की रैंक है लेटेस्ट वो फर्स्ट है, इंडिया जो है इसका क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका, शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड पे आता है हमारा चाइना, फर्स्ट पे इंडिया है, 36 मिलियन टन्स का यहाँ पे
प्रोडक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पे आता है थाईलैंड, भारत का है 36 मिलियन, इंडिया थर्ड पे आता है थाईलैंड, याद रखेंगे इसको। ऑल राइट, तो इसीलिए बिकॉज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का भारत, तो भारत में ही न्यू दिल्ली में ये हुई है आईएसओ की, जो क्या है स्टूडेंट्स, मीटिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग इवेंट्स थे, 3-4 दिन का पूरा प्रोग्राम है ये, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें पहले नंबर पे कौन सा आता है, पहले नंबर पे कौन सा आता है, यूपी, ठीक है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका, याद रखेंगे फैक्ट्स, ठीक है। ओवरऑल जो भारत है वो विश्व में 15% कंट्रीब्यूट करता है अगर हम शुगर की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे स्टूडेंट्स अगला प्रश्न, ये आपको बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा इन जून 2024। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, जो भी चुने गए हैं, है ना, लोकसभा चुनाव हुए 2024, तो यहाँ पे शपथ सेरेमनी चल रही है, ठीक है। फिर सीएम की बात करें या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, चाहे हम स्पीकर की ही बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर में भी आपको याद रखना है किसका नाम, श्री ओम बिरला का, जो कि सेकेंड टाइम यहाँ पे बन गए हैं कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कौन सी लोकसभा, 18th लोकसभा, ठीक है। तो कांग्रेस के जो है इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट कौन, के सुरेश, उनको हरा के यहाँ पे इन्होंने जीत लिया है, ठीक है, स्पीकर का पद हासिल किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा कौन हो गए हैं, पीयूष गोयल थे पहले, अभी जो है वो कौन है, जेपी नड्डा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर कौन है राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, ये देखो सेंटर से रिगार्डिंग है, बता चुकी हूँ तुम्हें बार बार, वल्चर के बारे में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जिसका नाम जो हमें सुनने में आया है क्या है, जटायु, जटायु से याद रखेंगे, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। तो कौन से में, महाराजगंज, महाराजगंज कहाँ पे लोकेटेड है, महाराजगंज कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से राज्य की बात हो रही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट्स, यूपी में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 9 स्पीशीज और होती हैं, भारत में कंबोडिया में ये पाया जा रहा है, ठीक है। पहला एशियन कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है किस राज्य में घोषणा की गई है स्थापना के लिए, यूपी में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, किसके बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जब हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो 27th, यहाँ पे स्टूडेंट्स 26th जब हुआ था, है ना, तो हमारे जो पंचायती राज है उनकी स्वामित्व स्कीम है उनको भी अवार्ड मिला था, ठीक है, जब पिछली वाली हुई थी हमारी 2023 में हुई थी, 26th हुई थी कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुई थी, एमपी में हुई थी, एमपी के इंदौर में, ठीक है। अभी जो बात हो रही है 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑन ई गवर्नेंस, NCEG, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की बात करी है स्टूडेंट्स, मुंबई इज द राइट आंसर, ठीक है, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई में, याद रखेंगे आप, जो सीएम है वहाँ पे एकनाथ शिंदे, उसका आपको याद रखना है कि पूरा इनिशिएटिव है, ठीक है, ई गवर्नेंस पे कॉन्फ्रेंस है। तो ये सारे आपके रिवीजन क्वेश्चन हैं, जल्दी से बताओ कितने क्वेश्चन तुमने सही करे हैं, कितनों के आंसर कर पाए हो, ये सारे आपके रिपीटेड वाले हो गए, राइट, बिकॉज हम नया कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप जो है आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी हो, नहीं, हमें जो है नया पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि हमें नया पढ़ना है, पीछे वाले के साथ लिंक में रहना है, ठीक है, समझ आ गया बच्चे। तो अब देखो मैंने आपको जो यहाँ पे वादा किया था लिस्ट में आपके लिए लेकर आई हूं, उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद हम करेंगे। मैंने आपसे बात करी थी साइट प्रोग्राम की, साइट इनिशिएटिव जो है किसके अंडर है, वो कौन सा मिशन है हमारा, NGHM नेशनल
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो अमोनिया यहाँ पे जो है उसको फर्टिलाइजर की तरह यूज करा जाएगा, उसकी प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसमें बढ़ावा जो है कितना होगा, इंक्रीज जो है कितना होगा स्टूडेंट्स, साइट प्रोग्राम के अंदर, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। तो याद रखेंगे 7.5 लाख टन्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और ये आपका जो था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये 2023 में आया था। हमारा मोटिव क्या है कि हमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को 5 मिलियन मेट्रिक टन करना है बाय 2030, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेंगी चीजें, कोई दिक्कत अभी तक ओके है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट, अभी आपको समझ आ गया होगा कितने क्वेश्चन आपके सही बने हैं, कितने आपको याद है, कितना आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपके लिए नेशनल पार्क्स ले हैं। आज मैं आपको बता रही थी कि नेशनल पार्क्स हम कवर करेंगे, सिमिलरली हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर लेंगे, फेस्टिवल्स कर लेंगे। उससे होगा क्या कि एकदम से आप पूछते हो ना कि मैम कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो हम सब कुछ पढ़ लेंगे फिर, जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट उतना तो करें। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम नेशनल पार्क्स करेंगे आज। भारत में कितने नेशनल पार्क्स हैं, टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं, 106 हैं, याद रखना है आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं एमपी में, ठीक है, 11। लार्जेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट कौन सा है, हेमिस, कहाँ है, लद्दाख में, किसके लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड्स के लिए, हिम तेंदुओं के लिए, ठीक है, तो याद रखना है आपको। ऑल राइट, फिर आपका जो राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है ना, वो सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड लार्जेस्ट, कौन सा, राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी, ओके जी, दिस इज अबाउट द नेशनल पार्क्स। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स लिखे हैं, आज आपको याद हो जाने चाहिए, और फिर मैं आपसे रैंडमली पूछ लूंगी किसी भी नेशनल पार्क के बारे में अगली क्लासेस में, फिर आप बताएंगे कि हाँ मैम ये मेरा याद है मुझे, ठीक है। चलो, पहला यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अंडमान निकोबार आइलैंड की, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 9 होंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो ये एक यहाँ पे आपको याद रखना है, यूनियन टेरिटरी है हमारी अंडमान निकोबार, यहाँ पे देखो मिडल मिलेगा आपको, मिडल बटन एक आपको मिलेगा, नॉर्थ बटन एक मिलेगा, साउथ बटन, ठीक है, ये आइलैंड्स है यहाँ पे, टापू है ना अलग अलग, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो जाएगा कि मिडल है, नॉर्थ है, साउथ है, इतना सब कहाँ पे है, जो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक है हमारा, है ना, तो याद रखना है नॉर्थ मिडल साउथ कहाँ पे, अंडमान में, ठीक है। फिर अंडमान हम गए घूमने, हमने कैंप लगाया, कैंप लगाया, बेल बजी, कैंप बेल कहाँ पे, देखो स्टेट के साथ ना लिंक जरूर करना है, जब भी हम स्टोरी पढ़ेंगे, जब भी हम याद रखेंगे, तो हमें स्टोरी बनाकर इस स्टेट को नहीं भूलना है, स्टेट को, राज्य को, यूटी को नहीं भूलना है, बिकॉज हमें लिंक करना है। कैंप लगाया, कहाँ पे लगाया, अंडमान में, ठीक है। फिर तुम्हारा गला जो है वो थक गया, वहाँ पे गले में दर्द होने लग गया, कैंप लगाया, दिक्कत होने लगी तुम्हें, गला थक गया, गलाथिया बे। फिर महात्मा गांधी मेराइन वंदूर, मिडिल साउथ नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। फिर देखो माउंट हैरियट, इतना गला थक गया कि तुम हार गए, कैंप लगाया, हार गए, गले में दर्द हो गया, हार गए जब तो तुम सैड हो गए, सड़ गया, सैड हो गए, तो सैड हो गए, सैडल पीक, माउंट हैरियट, सैडल पीक। फिर रानी झांसी, जब तुमने रानी को देखा तब जाके तुम्हें चैन आया कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, राइट। या फिर आप लगा लो कि रानी का कैंप लगा था, रानी झांसी का कैंप लगा था, गले में दर्द हुआ, थक गए, गलाथिया, नॉर्थ मिडिल साउथ हर जगह देखा उन्होंने, ठीक है, फिर भी हार गई, हार गई और सैड हो गई, स्टोरी बन गई। कहाँ की बात हो रही है, अंडमान आइलैंड्स की बात हो रही है, ठीक है, अब ये याद रखने हैं आपको सारे के सारे। फिर जब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो तुमने कैसे याद रखना है स्टूडेंट्स, आंधी से, आंधी, ठीक है, आंध्र और आंधी, आंधी आई, ठीक है, पापियों को ले गई अपने साथ, वैन में बिठा के वेंकटेश्वरा, ठीक है, पपीकोंडा, पापियों को वैन में बिठा के वेंकटेश्वरा, उसमें से एक रमेश भी था तो रमेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम, वैन में बिठाया वेंकटेश्वरा, किसने, आंधी ने, आंधी, आंधी पापी, तो पपीकोंडा, रामेश्वरम, वेंकटेश्वरा, याद रखना इसको, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुण, ठीक है, अरुण जो है
अपना नाम सुन के चला गया, ठीक है, और धप्पा हो गया, राइट। चला गया, धप्पा हो गया, नाम सुन के अरुण, अरुण का नाम, अरुण का नाम, तो अरुणाचल और नम दफा याद रखेंगे स्टूडेंट्स इसको। अरुणाचल प्रदेश का एक ही है देखो, ठीक है। फिर जब हम बात कर रहे हैं असम की, स्टार लगा लो, वैसे तुम्हें याद ही होंगे इसके, तो आसान से हैं, फेमस हैं, आते भी हैं, बट कुछ ऐसे जो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, ये मेघालय में भी हो सकता है, शायद शिलोंग में भी हो सकता है। जब भी आते हैं ना तुम्हारे क्वेश्चन, तुम्हें पता होता है कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, लेकिन दिमाग नहीं चलता कौन सा स्टेट था, अरे याद ही नहीं आ रहा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे सुन रहे हो ना ध्यान से, सब समझ में आ रहा है, याद कर लो, अगली क्लास में पूछना है मैंने नाम लेकर सबसे किसको कितना याद है, ठीक है। दिब्रू सही खोवा, अच्छा, असम, असम में तुम्हें सैम याद रखना है, सैम तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, सखी है तुम्हारी, सैम की सखी, सैम की सखी, ठीक है। काजीरंगा और मानस तुम्हें याद ही होंगे असम में, इन दोनों में कोई डाउट की मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है, ठीक है। फिर नमेरी, नमेरी असम की सखी है, सैम की सखी है, मेरी नहीं है, ना मेरी, ठीक है, सैम की है, सैम की, मेरी नहीं, तो ना मेरी सैम, ठीक है, सैम की है। और औरंग, औरंग आपको याद रखना है, ठीक है, ना मेरी और औरंग, और मोना भी है साथ में, ठीक है, सैम की सखी मोना, राय मोना, ठीक है, और देहिंग पटकाई, तो मोना को अगर कुछ कहा तो सैम पटक देगा, ठीक है, झट से पटक देगा, पटकाई से याद रखोगे। अब सैम वाली स्टोरी हो गई, ऊपर रानी झांसी वाली स्टोरी हो गई, सैम की सखी काजीरंगा मानस है, नाम मेरी नहीं है, सैम की है सखी, और आंग, फिर रायमोना, दिहिंग पटकाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपको। फिर बिहार और वाल्मीकि, बिहार में तो एक ही है वाल्मीकि, इसको याद रखना, ठीक है, बिहार वाले को याद रखना है स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं हम, 106 करने हैं और ऐसे ही हो जाएंगे, चिंता मत करो। अब देखो छत्तीसगढ़ की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कांगड़ वैली है, कांगड़ वैली छत्तीसगढ़, कैसे याद रखोगे, कंगना रनौत, कंगना, कंगना रनौत का घर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। जब कांगड़ आएगा ना तो कंगना, कंगना, अच्छा इसका घर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ऐसे याद करना है, ठीक है। और साथ में उसके इंद्रावती भी रहती है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगड़ वैली नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़, फिर गोवा, मोलेम, गोवा में एक नया मॉल बना है, ठीक है, मोलेम। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात, गुजरात से याद रखना है रात, रात जो है वो काली होती है, सदा, सदा काली होती है, ठीक है, वन सदा, वन सदा, सदा काली रात, कहाँ पे रात, गुजरात, ठीक है। ब्लैक बक, ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक स्पीशीज भी होती है, यहाँ पाई जाती है नेशनल पार्क में, ठीक है। और गिर, गिर तुम जानते हो, गुजरात। फिर गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात, ठीक है, याद रहेगा, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर देखो हरियाणा, हरियाणा के दो ही हैं, हरियाणा के सारे सुल्तान, सारे सुल्तान कहाँ रहते हैं, हरियाणा में, तो दो नेशनल पार्क हैं, कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर और सुल्तानपुर, सुन रहे हो ना बच्चे ध्यान से, ठीक है ना। फिर हिमाचल प्रदेश देखो, हिमाचल प्रदेश, एक तो ग्रेट हिमालयन हो गया, ठीक है, फिर इंदर किला, खीर गंगा, हिमाचल प्रदेश कैसे याद रखोगे, चल किले के अंदर, ठीक है, चलना तो पड़ेगा, अगर हिमाचल है तो चलना पड़ेगा, ठीक है। सिंबल बारा, संभल के चलना पड़ेगा, बार बार संभलना होगा, सिंबल बारा, संभल बार बार, ठीक है, सिंबल बारा, क्यों, क्योंकि हिमाचल में चल रहे हो आप, तो चल किले में, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स किले में जाके खीर खानी है, और पिन वैली, खीर गंगा, पिन वैली, खीर गंगा तुम्हें याद रहेगा, एक आपकी पिन वैली है, किले के अंदर पिन चुप गई, किला कहाँ था, किले के अंदर हम चले गए थे क्योंकि हम हिमाचल में थे, इस तरीके से। देखो आप अपनी भी बना सकते हो, बट आपको टाइम लग जाएगा, इससे पहले आपको याद ही हो जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं है, ठीक है, एक नज़र भी मारोगे ना रीड करते करते तो हो जाएगा, 3-4 बार भी अगर आपने इस लिस्ट को पढ़ लिया तो आप पक्का कर लोगे, ठीक है। तो एक एक टॉपिक मुझे आपको करवाने हैं, ये बाद में मुझे सुनना है कि मैम आपने पढ़ाया था, हमारे एग्जाम में आया था, बताना ज़रूर, ठीक है।
जम्मू कश्मीर, सलीम अली और दाचीगाम और किश्तवाड़। अब देखो, जम्मू कश्मीर में थोड़ी दिक्कत चलती रहती है, लोग जो है वहाँ के गम में रहते हैं, गम में टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं ना कभी कभी कश्मीर में, तो गम में रहते हैं इसलिए दाचीगाम। और वॉर चल रहा है वहां पे, वॉर, ठीक है, लड़ाई, तो किश्त ले लेके वहां रह रहे हैं, तो किश्त वॉर, ठीक है। और सलीम अली, सलीम अली कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। लद्दाख का तो मैं याद करवा दिया मैंने ऑलरेडी। अच्छा, ये वाला स्टार लगा रही हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली जून में हेमिस फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है, जिसमें अलग अलग डांसेस होते हैं, म्यूजिक होते हैं, और हेमिस मोनास्ट्री भी है, फेमस है, किसकी? लद्दाख की, ठीक है, सुन रहे हो ना, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। तो गुरु पद्म संभव जो है उनके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स मोनास्ट्री में सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है, उनको याद करके। फिर झारखंड में है बेटला, जा बेटा जाकर खांड ले आ, ठीक है, जा बेटा जाके खांड ले आ, झारखंड बेतला नेशनल पार्क, ओके। कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका में हमेशा तुम्हें नाटक याद रखना है, तो नाटक करती है अंशी, इसलिए उसको हम घाट पे बंदी बना लेंगे, बनेर घट्टा, बंदीपुर, अंशी, किसको? अंशी को, अंशी नाटक करती है, कर्नाटका से है इसीलिए। फिर बंदी बनाएंगे, बंदीपुर, अच्छा, किसको बनाएंगे? अंशी को। अंशी कहाँ की है? अंशी तो नाटक करती है कर्नाटका, ऐसे मार्क करना है आंसर, ठीक है। फिर कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कूद कूद के नाटक कर रही है, इसलिए हमने घाट पे उसको बंदी बनाया और नगर होल, होल में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, अंशी, नाटक, बंदी, घाट, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, कूद कूद के और नगर होल, याद रहेगा अब, ठीक है। फिर देखो केरला, केरला अनाईमुड़ी शोला, ठीक है, ये शोला हो गया, फिर पम्बदम शोला हो गया, ठीक है, मथिकेतन शोला हो गया, तो शोला शोला वर्ड आपके इसी में आ रहे हैं, याद रखना है केरला। एरेविकुलम, एरेविकुलम भी केरला है, तमिलनाडु नहीं है, याद रखना है इसको। फिर अनाईमुड़ी शोला, अनाईमुड़ी साउथ की हाईएस्ट पीक है, उससे याद रख लेना, कहाँ पे है? केरला में है। पेरियार और साइलेंट वैली भी कहाँ पे है? केरला में है। कर्नाटका, देखो मार्क नहीं करना साइलेंट वैली को, साइलेंट वैली को कर्नाटका मार्क नहीं करना, केरला में है, शांत रहने का, ठीक है, शांत रहने का, क्योंकि तुम केरला में हो, ठीक है। तो प्यारा सा स्टेट है पेरियार, केरला, शोला और साइलेंट, शांत रहने का, बिकॉज शांति वाला स्टेट है। देखो नाटक वाला तुम्हें पता है कि अंशी की स्टोरी है जो नाटक करती थी, तो यहाँ पे साइलेंट वर्ड तो आया ही नहीं था हमारा कर्नाटका, इसलिए इसको कर्नाटका मार्क मत करना, ओके। एक और देखो बच्चे, एमपी, एमपी के मैक्सिमम नेशनल पार्क है यहाँ पे 11, तो कौन कौन से हैं? बंधवगढ़, डायनासोर फॉसिल, ठीक है, फॉसिल, फिर पेंच, काना, पन्ना, है ना, पीपी और के, कूनो नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, कूनो है, पेंच है, काना है, पन्ना है, ठीक है, सतपुरा है, वन विहार है और संजय नेशनल पार्क, ये सारे आपको याद रखने हैं, टोटल 11 है, और फॉसिल, फॉसिल भी यही पाए जा रहे हैं, शोला, शोला केरला में, ठीक है, ओके जी। अच्छा, ये मध्य प्रदेश हो गया, एक आपका महाराष्ट्र हो गया, इनसे आप कंफ्यूज नहीं होगे, महाराष्ट्र के अलग है, एमपी के अलग है, महाराष्ट्र के चंदौली है, ठीक है, महा से याद रखना है या महान से याद रखना है आपको, ठीक है, तो महान बातों की, महान लोगों की बातों पे अमल करना है, गुगमल, अमल करना है गुगमल, ठीक है। चंदौली, महान लोग जो होते हैं वो चांद की तरह होते हैं, बातों पे अमल करना है तो गुगमल। नवेगांव तो है ही, मुंबई महाराष्ट्र, फिर पेंच हो गया, संजय गांधी हो गया, ठीक है, तो ये संजय और पेंच रिपीट हो रहा है एमपी और महाराष्ट्र में। तड़ोबा भी है, तड़ोबा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, एमपी में नहीं है, ठीक है बच्चे। मणिपुर, कैबुल, लमजाओ, तो मणिपुर में याद रखना है मान जाओ, मणिपुर में याद रखना है मान जाओ, ठीक है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। मेघालय में बलपक्रम और नोक्रेक, मेघा मतलब बारिश, ठीक है, बारिश जब आती है तो नौका में बैठेंगे हम, नौका क्या होता है? बोट, है ना, तो नौका, बोट,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे याद रखना है नौकरेक रिच और बाल फक्रम, ठीक है बाल फक्रम। हाँ जी, तो जो भी साथ में लाई थी वो फेंक दिया, कौन? मेघा, मेघा, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम से याद रखेंगे आप, कैसे याद रखोगे? मिजोरम, जोर से, ठीक है, मिजोरम में जोर, जोर से मुरली की आवाज आई, ठीक है, फोन पे। फांगपुई, फांगपुई ब्लू माउंटेन, दो है यहाँ पे, फांगपुई ब्लू माउंटेन और मुरलीन, तो मुरली की आवाज आई जोर से फोन पे, फांगपुई, ठीक है, फोन पे आवाज आई मुरली की, जोर से आई, तो मिजोरम, ठीक है, याद रखना बच्चे। नागालैंड, अच्छा नाग हमारा एक एंटी टैंक मिसाइल है, अगर आपको याद होगा तो, भारत का, इसीलिए याद रखना है, इन टंकी एक ही है नागालैंड का। अच्छा नम दफा किसका था? नम दफा किसका नाम सुनकर धप्पा कर दिया? अरुण, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ओडिशा के भीतर सिमलीपाल राजा है ना, सिमलीपाल, भीतर किसके? उड़ीसा के, ठीक है, दो ही है यहाँ पे स्टूडेंट्स। फिर राजस्थान इंपॉर्टेंट है, पांच है, देखो डेजर्ट नेशनल पार्क सेकेंड लार्जेस्ट, केलाडो है ना डेजर्ट नेशनल पार्क में, रिसेंटली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी सर्वे हुआ था इसका, ठीक है, 64 नंबर पे पाए गए थे डेजर्ट नेशनल पार्क, न्यूज में था इसलिए बता रही हूँ, स्टार लगा लो। ऐसे ही हम टाइगर रिजर्व्स भी करेंगे, काफी न्यूज में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज याद कर लो, कल पूछूंगी तुमसे, देखते हो कितना याद रख पाते हो। मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का, ठीक है, कैसे याद करोगे बताओ? मुकुंद जो है राजा है, मुकुंद जो है वो राजा है। घना बोर हो रहा था, घना केलाडो, घना बोर, रणथंभौर, ठीक है, और सारा रिस्क ले लिया उसने सरिस्का, क्योंकि वो बोर हो रहा था, कौन? मुकुंद, मुकुंद कौन है? राजा, तो मुकुंदरा आपका जब आएगा तो मुकुंदरा और राजस्थान, अरे वो तो राजा था, ऐसे मार्क होगा, ठीक है। सिक्किम कंचनजंगा याद रहेगा। तमिलनाडु, देखो भाई तमिलनाडु गिंडी, गल्फ ऑफ मनार, अन्नामलाई, ठीक है, मुखुर्ती और मुदुमलाई, शोला शोला केरला, मलाई मलाई तमिलनाडु, ठीक है, याद रहेगा। साइलेंट वैली कर्नाटका, साइलेंट वैली कर्नाटका, जी नहीं केरला, ओके याद रखना। तेलंगाना, हाँ जी ब्रह्मानंद रेड्डी, अब रेड्डी वर्ड एक ही बार आया आपका, शोला आया केरला में, मलाई आया तमिलनाडु में, तो बचा कौन सा? तेलंगाना, तेलंगाना में रेड्डी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश आपका, आंध्र प्रदेश नहीं आया ना अभी, हाँ जी स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश कराया हमने, ठीक है, हाँ आंध्र प्रदेश में देखो आंधी से याद रखोगे आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तीन हैं, और जो हमने कौन सा करा था अभी, ये अलग अलग है याद रखना। तेलंगाना में, तेलंगाना में रेड्डी, महावीर, हरिना, वनस्थली और मृगवाणी, मृगवाणी, ठीक है मृगवाणी, तो वाणी है ना बहुत अच्छी आती है जब गाना गाते हैं महावीर, ठीक है महावीर जब गाना गाते हैं तेलंगाना में, तो वाणी बहुत ही मधुर आती है और वो सब रेडी हो जाते हैं। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा स्टूडेंट्स क्लाउडेड लेपार्ड बिसन, ठीक है ये त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी और राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है इसके, इंपॉर्टेंट है। देखो राजा, देवी देवता सब कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड, लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है इसको, वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहीं पे है, और गंगोत्री भी याद रखोगे, जिम कॉर्बेट तो है ही है, ठीक है। एक है वेस्ट बंगाल, बक्सा, गोरुमारा, जल्दपरा, नेओरा वैली, सिंगालीला और सुंदरवन। देखो वेस्ट बंगाल में सारे गोरे लोग रहते हैं, सुंदर लोग रहते हैं, ठीक है सुंदरवन तो तुम्हें याद ही होगा, गोरे लोग वेस्ट बंगाल, सुंदर हैं, गोरे हैं वेस्ट बंगाल, गोरुमारा। फिर बहुत जल्दी है उन्हें परी बनने की,
ठीक है, जल्द परा और नायरा। नायरा एक लड़की है, सुंदर है, गोरी है, वेस्ट बंगाल में रहती है, जल्दी है उसको परी बनने की। ठीक है, बक्सा, तो उसके बक्से में बहुत सारा सामान है, ठीक है, क्योंकि उसको परी बनने की बहुत जल्दी है, गोरी है, सुंदर है, बस, ठीक है। और उसकी लीला भी बहुत न्यारी है, नायरा की लीला न्यारी, तो लीला नायरा, गोरी सुंदर, वेस्ट बंगाल, बक्सा। ठीक है, अब देखो इस ट्रिक से तुम्हें याद होते हैं तो बताओ, ऐसे हम सारे सेक्शंस के लिए करेंगे और वो मुझे तब पता रहेगा जब तुम्हारा अगले सेशन में टेस्ट होगा कि बच्चों नेशनल पार्क बताओ फटाफट से कौन से स्टेट में कौन सा है। ठीक है, तो रेडी रहना, पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक रीडिंग लगा के आना, अगली क्लास में पूछने वाली हूँ मैं, और नेशनल पार्क्स की चिंता मतलब अब हो जाएगा। ठीक है, अगले सेक्शन में फिर कोई सरप्राइज दूंगी और एक सेक्शन लेकर आऊंगी और हम डेली करंट अफेयर्स तो करेंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए गैलेक्सी क्लासेस से, 9:30 बजे क्लास ज्वाइन करनी है, सभी को बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करो एंड मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।